सबसे पहले तो यहाँ के अपने मौजूद तमाम पार्टनर्स का, सेल्स पार्टनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से यहाँ पे हमारे सेल्स पार्टनर्स मौजूद हैं जिन्होंने पार्टनर का हर अच्छे और बुरे वक्त में साथ दिया और दोस्तों का भाइयों का एक ऐसा गुलदस्ता हमारे पास इकट्ठा हुआ जिस पे हम बजा तौर पे फख्र कर सकते हैं। मैं दिल की गहराइयों से उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो पिछले कई सालों से पार्टियों के हम सफर हैं और जिन्होंने दिन रात हमारा साथ देते हुए पार्टियों को इस मुकाम तक पहुँचाया। आप तमाम सेल्स पार्टनर का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने उन तमाम लैंड होल्डर्स का, उन जिम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना एसेट जो उनकी जिंदगी का असासा था, जो उनके वालदैन की तरफ से, उनके बुजुर्गों की तरफ से उनको विरासत में मिला था या उन्होंने बतौर इन्वेस्टमेंट खरीदा था, उन्होंने जिस तरह पार्कू पे, मेरे पे, शहर सदीकी पे एतबार करते हुए, एतमाद करते हुए जिस तरह वो पार्कू को दिया और जिस भरोसे के साथ दिया, मैं दिल की गहराइयों से आपका मैं पूर्व मंगू हूँ और इंशाल्लाह आपको इसका यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट सिर्फ पार्कू के लिए नहीं है, उस हर शख्स के लिए है जो पार्टी के साथ मुंसलिक है, उस तमाम जिम्मेदारों के लिए है, तमाम सेल्स पार्टनर्स के लिए है, हमारे तमाम उन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है जो पार्टी में काम करते हैं, उन तमाम मजदूरों के लिए है जो यहाँ पे मजदूरी करते हैं, उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए है जो यहाँ पे इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट कमाते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जितना अल्हम्दुलिल्लाह ये एक फर्टाइल बनाया है कि हमने यहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखा है रियल स्टेट सेक्टर में, इतना मैंने पूरी दुनिया में बहुत कम देखा है। और मैं हर शख्स को जब मैं यूरोप जाता हूँ, मुश्ताक भाई मेरे पास वहाँ पे हम दोनों इकट्ठे थे तो मैंने मुश्ताक भाई के सामने वहाँ के लोगों को कहा था कि आप ऐसे करें कि आप 1,00,000 पाउंड जो है वो मुझे दे दें और मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता हूँ और आप 1,00,000 पाउंड मेरे से ले लें और आप लंदन में इन्वेस्ट कर लें और 1 साल के बाद हम दोनों हिसाब लगा लेते हैं कि आया आपने उसको ज्यादा मल्टीप्लाई किया या मैंने पाकिस्तान में लगा के ज्यादा मल्टीप्लाई किया। और मैं आज भी एक चैलेंज करता हूँ तमाम लोगों से जो यूरोप में है, जो अमेरिका में है, जो इस वक्त दुबई में है, जो किसी और जगह पे है कि आप जितने इन्वेस्ट पाकिस्तान में करना चाहें मेरे साथ करें और इसके मुतबादल जितने आप वहां पे इन्वेस्ट करना चाहें उतने पैसे उसी करेंसी में। मैं हिसाब ये नहीं लगा रहा कि मैं पाकिस्तानी रुपए में बढ़ाऊंगा, मैं आपकी करेंसी के मुताबिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट से डबल दूंगा इंशाल्लाह ताला। जो आप लंदन में कमाएंगे, जो आप यूरोप में कमाएंगे, जो आप मिडिल ईस्ट में कमाएंगे, हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान से अपने मुल्क से आपको डबल कमा के देंगे और डॉलर में कमा के देंगे और पाउंड में कमा के देंगे ताकि इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं और वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मैं आपको इसका यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जैसी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में नहीं है, जो रिटर्न यहाँ पे है पूरी दुनिया में नहीं है। इसलिए आपने किसी भी और किसी के कहने पे नहीं आना, कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है जहां पे आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलता है। हाँ ये जरूर बात है कि आपने इन्वेस्टमेंट से पहले इस बात को जरूर यकीनी बना लेना है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस इस बात को यकीनी बनाए। पाकिस्तान जैसी इन्वेस्टमेंट जो है पूरी दुनिया में और ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है। वो तमाम दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप सबके जरिए कहना चाहता हूँ यहाँ पे जितने लोग की इन्वेस्टमेंट आपकी उसी ने अपने घर बनाने के लिए प्लॉट लिया या उसने बतौर इन्वेस्टमेंट प्लॉट लिया, मैं
हमारी पूरी पार्कों की मैनेजमेंट, हम आपकी एक एक इन्वेस्टमेंट के जिम्मेदार हैं, हम इसके निगेबान हैं। कोई एक पार्क करने वाला यह ना समझे कि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप हमारे लिए दो कनाल के प्लॉट से और कमर्शियल प्लॉट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने पांच बंदे अपने वो पैसे जो आपने सारी उम्र के लिए इकट्ठे किए थे वो आपने हमारे भरोसे पे यहाँ इन्वेस्ट किए हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया, अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी। आपके एक एक प्लॉट का, आपकी एक एक पाई की इन्वेस्टमेंट का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। इंशाल्लाह हम आपको ऐसी सोसाइटी बना के देंगे कि इंशाल्लाह आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसमें एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट और बेहतरीन रिटर्न इंशाल्लाह आपको मिलेगा। यहाँ पे जितने लोगों ने भी पिछले दिनों में इन्वेस्टमेंट की है, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल भी रहे हैं। आजकल ओवरऑल भी शायद स्लम था मार्केट में, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पूरे उम्मीद है कि पाकिस्तान में ऐसा पोटेंशियल है। पाकिस्तान की माशाल्लाह हमारी 22 करोड़ लोग हैं और हमारे पास इतना बड़ा पोटेंशियल है कि हमारा इन हाउस इतनी बड़ी डिमांड है। और रियल स्टेट सेक्टर में अच्छी सोसाइटीज में जहाँ पे ईमानदारी से काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह अभी आपको शहर साहब ने बताया कि हमने जो प्रॉमिसेस अभी नईम साहब ने बताया, जो प्रॉमिस हमने 23 का किया था हमने उसको 22 में पूरा किया, और जिस डेवलपमेंट को हमने 23 या 24 में कम्प्लीट करना था हम उसका पोजेशन आज दे रहे हैं, पहले दे रहे हैं, आपकी किस्तें खत्म होने से पहले दे रहे हैं। कहीं नहीं होता कि जहाँ पे लोग पोजेशन के बाद अपनी किस्तें जमा कराने के बाद सारा साल इंतजार करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसका क्रेडिट जो है वो शहर सिद्दीकी को और उसकी टीम को देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आके अंथक मेहनत की है और पिछले 2-3 सालों में पार्कों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अपने प्रॉमिसेस जो है उनको पूरा किया है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से 2023 में हम अपने जो बाकी प्रॉमिसेस हैं, जिन जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जिस जिसने प्लॉट यहाँ पे खरीदा है, हम उन तमाम को उसका पोजेशन देंगे 23 में ही देंगे। और कोशिश करेंगे कि हमारा वो शख्स जिसने अभी पिछले साल प्लॉट खरीदा है और 2 साल की किस्तों में खरीदा है, जिसने 2024 में पोजेशन लेना था, उसको भी हम 2023 के अंदर पोजेशन देंगे, ताकि यहाँ लोग अपना घर बनाए और घर बनाते हुए अपने प्लॉट की किस्तें भी अदा करते रहे। और यही मेरी एक ड्रीम है इस पाकिस्तान के लिए। मैं चाहता हूँ जब भी किसी दूसरे मुल्क जाता हूँ, सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो दुबई कर सकता है हम क्यों नहीं कर सकते, ये जो अबू धाबी कर सकता है, जो कतर कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते, हम उससे बहुत बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास ये हमारे ही यहाँ से टैलेंट जो है वो वहाँ जाता, हमारे इंजीनियर हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हमारे मजदूर हैं जो वहाँ जाके काम कर रहे हैं। दुबई अगर बनाया तो 70% मजदूर जो है वो पाकिस्तानी है जो वहाँ पे काम करता। ये सारा काम हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते, ये डेवलपमेंट, ये खूबसूरती हम यहाँ क्यों नहीं ला सकते। अल्लाह करे कि हमारे दौर में, हमारी उम्रों में हम ये वक्त देखेंगे पाकिस्तान भी उतना ही खूबसूरत हो जितना वो बाहर का बहुत डेवलपमेंट हो। और इंशाल्लाह ताला कम से कम हम अपना हिस्सा जरूर डालेंगे। अल्लाह ने हमें जितनी इस्तेआत दी है